हेलो दोस्तों, मैं नूर सबा, आपका स्वागत है मेरे चैनल नूर जायका में। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ। अगर आप स्वादिष्ट भोजन के शौकीन हैं, तो आप नूर जायका हिंदी चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और जो व्यंजन आप बनाएंगे खाएंगे आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि मैंने जो आपको रिकमेंड किया उसका आप कितना लाभ उठा पा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। करेले का नाम सुनते ही कुछ लोगों को करेले का कड़वापन ही याद आता है, वैसे वही करेले की खासियत भी है, लेकिन करेले के बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों, आज हम बनाएंगे करेले का अचार, जो इतना चटपटा और स्वादिष्ट है कि हो सकता है आपको बाकी अचारों से ज़्यादा पसंद आने लगे। इसे अगर सही तरीके से बनाएं तो लगभग पूरा साल हम इसे खा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे करेले का अचार कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल नूर जायका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल का आइकन है उसे भी क्लिक करिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की आपको सूचना मिले। तो आइए दोस्तों, देखते हैं करेले का अचार बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। ये मैंने आधा किलो करेला लिया है, एक कच्चा आम, और मसाले में हमें लगेगा एक बड़ा चम्मच अजवाइन, एक छोटा चम्मच कलौंजी जिसे कुछ लोग मंगरेला भी कहते हैं, एक छोटा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच मेथी, एक बड़ा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च, दो बड़ा चम्मच अखा धनिया, लगभग 20 लाल अखी मिर्च, आधा छोटा चम्मच हींग और लगभग एक चम्मच काला नमक और एक बड़ा चम्मच नमक, और इसके साथ हमें लगेगा एक छोटा चम्मच हल्दी और लगभग 1.25 लीटर सरसों का तेल। हम सबसे पहले इस तरह से बारीक स्लाइस करते हुए करेले को कट कर लेंगे। ये हमने सभी करेले को कट कर लिया है। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ऐसा करने से करेला पानी छोड़ देता है और इसका कड़वापन भी काफी हद तक कम हो जाता है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे। दोस्तों, यह आप देख सकते हैं करेले ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करते वक्त ये जो करेले के बीज है ऐसी सभी बीजों को हम निकाल लेंगे। दोस्तों, मैंने इसे वॉश कर लिया है और देखिए सभी बीजों को निकाल लिया है। अब हम इसे एक सूखे कपड़े पर फैला देंगे और 2 से 3 घंटे धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। अगर धूप ना हो तो हम इसे घर में पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, लेकिन वक्त तकरीबन 5 से 6 घंटा लग जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे करेले का पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब हम एक बर्तन में धनिया, मेथी, सौंफ, कलौंजी और अजवाइन को धीमी आंच पर भून लेंगे। दोस्तों, आप कलर देख सकते हैं, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी बर्तन में हम अखी लाल मिर्च को भी भून लेंगे। दोस्तों, लगभग 1 से 1.5 मिनट में इसका कलर डार्क होने लगेगा, तब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम इसी बर्तन में लगभग 1.25 लीटर 200 से 250 ml के आसपास सरसों का तेल ऐड करेंगे और इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इसे हमें तब तक गर्म करना है जब तक इसमें से भाप ना आना शुरू हो जाए। दोस्तों, सरसों के तेल को गर्म करने से उसकी जो झार है वो भी कम हो जाएगी और अगर तेल में कुछ नमी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है, अब हम गैस ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम मसालों को पीस लेंगे। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये मैंने लाल मिर्च की जो ऊपर की डंडी है वो निकाल ली है।
ये लाल कश्मीरी मिर्च को हटा देती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी पिसी हुई है। अब हम भुने हुए मसालों के साथ काला नमक और रेगुलर सफ़ेद नमक भी ऐड कर लेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे, बहुत बारीक नहीं पीसना है। दोस्तों अब हम कच्चे आम को ग्रेट कर लेते हैं। दोस्तों अब ये हमारा तेल ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच हींग ऐड करेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च को भी ऐड करके इन तीन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम सभी मसालों को मिक्स करते हुए अचार रेडी करेंगे। दोस्तों ये हमारा अचार रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, हम इसे अभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर धूप में 3 से 4 दिन रखा जाए तो ये बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा क्योंकि तेल और मसाला अच्छी तरह से भीग जाएगा। तो हम अचार को 3 दिन के लिए धूप में रख देते हैं, अगर धूप नहीं भी हो तो हम घर में इसे किसी सेफ जगह रख देंगे और हाँ दिन में एक बार इसे अच्छे से चला भी देंगे। दोस्तों ये हमारा अचार पूरी तरह से तैयार है, मैंने इसे टेस्ट किया है, यकीन मानिए ये अचार हमारे सभी खानों का जायका बढ़ा देगा। अब हम इसे ग्लास कंटेनर या कोई एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, सिर्फ हमें ये ध्यान देना होगा हम इसे जो भी बर्तन में स्टोर करें उसे पहले अच्छे से वॉश कर लें और फिर उसे अच्छे से पोंछ कर सुखा भी लें, क्योंकि अगर बर्तन में थोड़ी भी नमी होगी तो हमारा अचार ख़राब हो सकता है। और अचार को निकालते वक्त भी सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें, ये सब चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें तो हमारा अचार 1 साल से ऊपर भी चलेगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।